हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम इस वीडियो में कथन एवं कारण, एजरेशन एंड रीजन के संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। कथन एवं कारण से संबंधित क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में लगभग आता ही है, चाहे UGC नेट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे TGT, PGT, DSSB, KVS, इन सारे एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होता है कि एक अभिकथन दिया होता है और नीचे उसका कारण है वो भी बताया जाता है। तो उनको हमें ध्यान से देखकर उसका हल निकालना होता है। तो देखिए क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। तो तर्क आर है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण का ज्ञान आवश्यक है। कथन दोबारा देखिए, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। तो हमें यही पर प्रत्यय समझ में आ गया कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता नहीं है, स्वाभाविक क्षमता नहीं होती है। तर्क है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण का ज्ञान आवश्यक है। तो ये सही है। तो आप देखिए इसका कूट देखिए, ए ऑप्शन है, ए सही है, आर गलत है। बी ऑप्शन है, ए गलत है, आर सही है। सी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। डी ऑप्शन है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, ए गलत है लेकिन आर सही है कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता नहीं होती है। जिसका तर्क सही है, कारण सही है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन है, ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन है ए, समझ शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसका तर्क है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ऑप्शन देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। बी ऑप्शन है, ए गलत है लेकिन आर सही है। सी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। और डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आपको अभिकथन और तर्क है, ये रीजन है। दोबारा देखिए, इस समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो ये सही है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो आज इसका ये तर्क है, ये गलत है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। तर्क आर है, वो है, संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। अभिकथन को दोबारा देखिए कि निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। ये निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो अधिगम की गति को बढ़ाता है, अधिगम की गति का विकास करता है। इसका तर्क है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है थर्ड ऑप्शन कि ए सही है किंतु आर गलत है।
डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका कौन सा हल होगा, सही आंसर कौन सा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, इसका विकास करता है। ये तो सही है, लेकिन संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है, यह सही नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।